कोई प्रोडक्ट का जैसा रिपेयरिंग रहता है तो वो अगर जाके दे हुए रिपेयरिंग और एडवांस में अगर पेमेंट ले ले हुए रिपेयरिंग की, तो उसके बारे में क्या कहना? या फिर जैसा कि टेलर की दुकान है और जाके कपड़ा खुद जाके दो, तो टेलर अगर फुल पेमेंट ले ले हुए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान खुद कपड़ा देता है और फिर बाद में भूल जाता है या टाइम बहुत पीरियड हो जाता है, 3-4 महीने बाद आता है, तो थोड़ा सा यानी वो अटकना पड़ता है दुकानदार को ऐसा कुछ। या फिर जैसा कि बड़ा बड़ा कुछ सामान रहता है, गाड़ी जैसा रिया, तो बाहर से ऑर्डर की जाती है, तो लोग एडवांस लेते या पेमेंट लेते ताकि बुकिंग रहे। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। मुझे एक और ऑप्शन याद आ गया। एक ऑप्शन मैंने आपको पहले बताया था, वो है एजेंसी कमीशन। एजेंसी एजेंट हो कोई, जैसे मान लो कि मिसाल के तौर पर मर्सिडीज़ के आप इंडिया के एजेंट हो और मर्सिडीज़ की वो गाड़ी आप मंगा के दोगे जो कंपनी के गोडाउन में है, भले ही गोडाउन उनका कोई दूसरी कंट्री में होगा, लेकिन वो कंपनी के आप एजेंट हो, तो कंपनी आपको एजेंसी कमीशन देने वाली है। चाहे तो आप कस्टमर की तरफ से एजेंट बन जाए, चाहे तो कंपनी की तरफ से एजेंट बन जाए। कंपनी के एजेंट हैं तो आप ले सकते हैं, वो कंपनी में पोजेशन है तो आपकी कंपनी, आप कंपनी की तरफ से बात कर रहे हो तो भी कोई हर्ज नहीं है। अच्छा ब्रदर का सवाल मेन ये है कि मान लीजिए कि कोई जैसे टेलर है, टेलर एडवांस पेमेंट ले रहा है, तो टेलर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट सेल की बात नहीं, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या कौन मान लो कि कोई घड़ी रिपेयर करने वाला है, वो घड़ी की जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो कह रहा है मुझे एडवांस पेमेंट इसका ये दो, तो ये प्रोडक्ट सेल के अंदर नहीं आ रहा है। तो मालम तजमन जब तक जमानत में ना आ जाए, वो जमानत में ना आ जाए, ये रूल यहाँ अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पर वाहल्लाहुल बै, तिजारत को अल्लाह ने हलाल किया, तिजारत के अंदर सारी चीज़ें हलाल है, सिर्फ जो हराम है वो दी हुई है, बाकी तो हलाल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर वो चीज़ अप्लाई नहीं होती, कोई टेंशन की बात नहीं है जो सर्विसेज प्रोवाइड करने के अंदर है। हाँ प्रोडक्ट सेल की बात है तो बात अलग है।